What's up, Cap Gang? Welcome back to another PUBG Mobile की दो केड़ी की प्यारी सी वीडियो. और हम आ चुके हैं दो केड़ी वाले. आपको पता ना तुम्हारे क्रू का नाम दो केड़ी वाले. और हम करंटली क्रू चैलेंज के अंदर #4 पे बैठे हैं. अभी हमारे पूरा लाइक ट्राई एक टॉप 3 तो पहुंच जाए. कॉज आई थिंक नंबर 1 टीम जो गॉड्स की और नंबर 2 टीम तो लाइक हैकर्स की. तो लाइक वहाँ तो हम कुछ घंटा नहीं उखाड़ सकते. बट जो बात है जितना उखाड़ सकते उतनी उखाड़ने की हम कोशिश जरूर करेंगे. तो अभी हम जा रहे हैं जॉर्जो पूल में. अब बहुत टाइम बाद जॉर्जो पूल जा रहे हैं. तुम देख रहे हो कि लाइक हम नॉर्मली नहीं तो हम पोचिंग की घूमते फिरते हैं. लाइक पोचिंग ही जा रहे ज़्यादातर हम. बट इस गेम में हम जॉर्जो पूल जा रहे हैं. ऑफकोर्स क्लासिक का गेम है भैया जी. एंड अपने क्रू चैलेंज के गेम प्ले से मैं जरूर लाऊंगा. लाइक कल परसों शायद क्रू चैलेंज का भी गेम प्ले आ जाएगा तुम्हारे पास. तो अभी हम जा रहे हैं जॉर्जो पूल के बहुत ही प्यारे प्यारे दो केड़े के दो मतलब बकवास है मतलब घटिया लूट वाले कंटेनर्स. मेरे को पता है ना यहाँ क्या घटिया लूट मिलती है. उतरते रिंगर रिंगर रोजेस पॉकेट फुल ऑफ नूब्स रहता है भैया. गेम तो आते ही बोल देता है भाई मैं तेरे को गन नहीं दूंगा बेटा. चाहे तू कितना भी रो ले कितनी भी तारीफ कर ले जॉर्जो पूल की मिलेगी तेरे को घटिया सी S12 के. और सामने वाले को मिलेगी DP विद 4X और तेरा रिंगर रिंगर रोजेस हो जाएगा बहुत ही प्यार से. लाइक मेरी किस्मत में तो अच्छी गन तो लाइक घंटा नहीं लिखी होती कभी. हद से जब मेरी किस्मत अच्छी होती तो M4 मिल जाती है. और किस्मत लाइक जब बहुत अच्छी होती जैसे कि 100 में से एक गेम तो मेरे को M4 प्लस 6X मिल जाती तो मैं उस गेम थोड़े मजे ले जाता हूँ. बट हमारे को पता है ना हमारी किस्मत कितनी दो कीड़ी की रहती है जब यहाँ पर उतरते हैं. तो एनीवेज तो तुम्हारा भाई 8X कार 98 भीख भाग मांग के ऊपर चढ़ चुका है लेके कि भाई मैं अपनी जगह जा रहा हूँ तुम पुष्पचास मारते रहो. पुष्पचास मतलब एनीवेज तो बंदे सामने वाले कंटेनर्स में थे. और ये देखो ये अकेला नोबड़ा पता नहीं क्या कर रहा था. इसको पता नहीं कि मैं टावर पर चढ़ा हुआ तो उसके साथ तो स्कैम बहुत जल्दी होने वाला है. तो अब मेरी जो बाकी स्क्वाड है वहाँ पे वो आगे लड़ रही है. और मेरा जो मेन काम है मैं ऑफकोर्स लाइक और क्या करता हूँ मैं टावर पे चढ़ के बताता रहता हूँ कि ये बंदा यह छुपा है ये बंदा यह छुपा है इधर से घूम के जाओ उधर से घूम के जाओ. कॉस तुम्हारा भाई ऑफकोर्स IGL है टीम का तो मेरे को ध्यान रखना पड़ता है कि भाई मेरे टीममेट कहाँ पे कब क्या कर रहे हैं. अब इनका दो केड़े का कोऑर्डिनेशन अगर खराब हो गया तो इनकी बैंड बच जाएगी. एनीवेज तो मेरे सामने ये जो अंदर वाला बंदा है इसको लग रहा है कि बहुत खुश है मतलब इसकी ज़िंदगी ना बहुत अच्छी सफल है. बट अब इस नोबड़े को कब पता था कि किंग अंदर भैया टावर पर चढ़ के इंतजार कर रहे हैं इसके बाहर आने का. एंड ये जैसे ही बाहर आया इसको एक स्प्रे मारा UMP का और पूरा ख़त्म ही कर दिया. खा गया अभी मैं नहीं रुकूंगा क्यों रुकूं इतना तो टेस्टी तो है भी नहीं कि तेरे को लाइक चक चक के खाया जाए ना. एक बारी में घटक लेते भैया. एनीवेज तो अब क्या हुआ ये इस बंदे को मारने के बाद मैंने देखा कि सिटी पे से ना फायरिंग हो रही थी. शारी बोल रहा था तो ध्यान दे उधर को. अगर पहाड़ पे से कोई नोबड़ा भागा भूगा आ गया तो दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए. और तुम्हें बताओ बस मेरी एक ही नुकसान होता है मेरे यहाँ नीचे मतलब ऊपर रहने का कि मेरे को घंटा लूट नहीं मिलती. लाइक लूट के नाम पे मिलता है तो सिर्फ एक प्यारा सा बहुत बड़ा सा घंटा. कॉज चाहते कहाँ हैं अब जिंदगी से. टावर पे चढ़ते रहेंगे इधर उधर देखते रहेंगे तो लूट थोड़ी ना मिलेगी. अब हमारे हाथ में फिर ये लोग लूट ला के देते हैं कि लो एंड्रो बाबा आप M4 पकड़ो लो एंड्रो बाबा आप कार 98 या DP पकड़ो. तो लाइक अच्छे अच्छे टीम में थे मेरे. हाँ आई लाइक देम. तो कम से कम मेरे को लूट तो मिल जाती जाते जाते. बट वैसे मेरे को लूट नहीं मिलती इनिशियली बिकॉज मैं लूटने का टाइम ही नहीं मिलता मुझे. इतने में जोन आ जाता जब तक फाइट पूरी हो. और यहाँ पे इस बंदे पे कोका कोला देखे कोलो कोलो था नेवर माइंड. इस कोका कोला के दो केड़े के बॉट पे दो दो M4 थे अलग ही पीस था ये. एंड इसके बाद यहाँ पे गिर गई एक एयर ड्रॉप. और तुम्हें बताओ मिलिट्री और जॉर्जो पूल के अंदर से एयर ड्रॉप निकालना बहुत आसान. लाइक ये इतना बड़ा एरिया होता है ना अपने अंडर कि यहाँ पर तुम्हें बहुत आसानी से एक ना एक एयर ड्रॉप या फ्लेयर गन का सामान तो मिल ही जाएगा. मतलब तुम यहाँ से एक ढंग की पावरफुल गन लेके तो जाओगे ही. लाइक तुम आग लगाने वाली पूरी हरकत होगी. एंड उसके बाद मैंने देखा ये जो US है ये ब्रिज पे से पूरे लाइक साउथ इंडियन स्टाइल में जा रही है. भाई क्यों मूवी की शूटिंग चल रही है धूमपुर की भी. बट ये बहुत जल्दी से स्क्वाड हाउस के पीछे जा करके छुप गए. तो इस स्क्वाड के स्वाहा करने के बाद तुम्हारा भाई प्यार से निकल गया गाड़ी लेकर. क्या तुम्हें पता हमारी सिंपल स्ट्रेटेजी टोका स्ट्रेटेजी हम नॉर्मली सारे गेम्स में इस्तेमाल करते हैं. कॉज दो कार होने में बहुत फायदा है. कॉज अभी देखो शारिक भैया वोटिंग भैया जा रहे थे ऊपर से ब्रिज कैम्प करने का. ये मैंने न्यू ट्रेंड देखा है आज कि पहाड़ पे चढ़ के निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करके ब्रिज कैम्प कर रही थी हमारे बहुत प्यारे प्यारे नोबड़े प्लेयर.
बट अब इन्हें कब पता था कि हमारे प्रो टीपीपी वाले मैक्सटन भाई और किंग एंड भाई सब यही रुक गए, गए नहीं हम, हमें जाना ही नहीं ब्रिज, हम यहाँ पे मार के जाएंगे आपको। तो मैंने एक बंदे को बहुत ही प्यार से नॉक किया और उसके बाद मैंने देखा कि भाई और बंदे कहाँ हैं। मैं कूद कूद के देखता हूँ, तुम देखो मेरे को ना लाइक शांति से एक जगह खड़े होने में ना बहुत दिक्कत होती है, मैं इसलिए कूदता रहता हूँ, हमें अलग ही सनक है मेरे दिमाग में, लाइक पेड़ के पीछे भी अगर शांति से होऊंगा ना तो कूदता रहूंगा, पता नहीं क्यों इट्स लाइक अंदर से फीलिंग आती है कि ऊपर चढ़ के हल्क टाइप कूद के इनके मुंह में लाइक सुपरमैन पंच मार दो, बट वो तो रोमन रेंज का क्या बोल रहा हूँ मैं। एनीवेज तो मैंने देखा कि वहाँ पर बंदे भागते हुए आ रहे हैं, तो मैंने पहला शॉट ट्राई किया, मिस हो गया, कॉस्मिक का सर दिख नहीं रहा था, बट ये जो दूसरा बंदा था ये तो भाई ओपन में ही पुश कर रहा है पता नहीं क्यों। एट एंड जब इनका आखिरी बंदा था वो मिनी मार रहा था ओपन में आके, लाइक उसके तो डर ही नहीं था, तो मैंने कले चाटा खा एंड फिर उसके बाद ये स्क्वाड भी उड़ गया। बट इन्होंने सही बताऊँ तो थोड़ा ट्राई अच्छा किया था, कॉज इनका कैंपिंग का स्टाइल थोड़ा यूनिक था, ये पहाड़ पे चढ़ के ब्रिज देख रहे थे, बट इनका कोई कवर नहीं था राइट साइड से, इसलिए ये उड़ गए। अगर हम भी ब्रिज से चले जाते उस साइड तो फिर इनके पास कोई अच्छा चांस था फाइट करने का। एंड उसके बाद मैंने देखा ये नॉर्दर्न सिटी से पता नहीं इतना लेट लंगर खा के कहाँ से लोग आ रहे थे, मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो। उसके बाद डिस्कॉर्ड को भी हमने चबा के खा लिया। एक्चुअली इस मतलब इस गेम में ना हमने बहुत ज़्यादा किल्स करे, एक्चुअली हम लोगों का आई थिंक 41 किल का गेम था ये। और उसके बाद हम निकल लिए जोन की तरफ। अब एंड फिर ये उड़ा तुम्हारा भाई पूरी धूम फूर के शूटिंग करते हुए। अब डायरेक्टर ने बोला था कि भाई ये स्टंट मैन का जो काम है किंग एंड्रू करेगा, तो हम करते हैं और क्या, लाइक मैक्सन भाई तो मेन हीरो है हमारी मूवी के, बस खत्म बात, मैक्सन भाई मेन हीरो, हम स्टंट मैन है इसलिए हम गाड़ी उड़ाते फिरते हैं ऐसे उधर उधर। एंड इसके बाद हम जा रहे थे और ये बंदे जाके चर्च पर गए और इन्होंने कॉल आउट किया कि सामने एक एयर ड्रॉप है, और उस एयर ड्रॉप पे आ गए हैं नूबड़े बंदे, नमूने बंदर, या फिर आप कह सकते हो। मैं एक्चुअली ना नूबड़े बोलने की मेरे को आदत है, तो मैं किसी को सीरियसली नहीं बोलता हूँ, वो लाइक एक कहने का मजाक का तरीका, कोई सीरियस हो जाते लोग तो मजाक में कहता हूँ मैं। तो स्क्वाड को भी बहुत ही प्यार से मार दिया। एक्चुअली स्क्वाड का ये सीन होया था कि ये लोग एयर ड्रॉप लूटने के लिए तो रुके तो, बट इन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया अपने आसपास का कि कोई इनके आसपास है कि नहीं, तो लाइक ये तो भाई ओपन में बैठ गए खाने पीने को, भाई हम तो यहीं बैठ के खाएंगे आज, यहीं बैठ के M249 चबाएंगे। तो मैंने कहा भाई ये क्या सीन है। तो अब जो बात है, हम इस गेम प्ले में कुछ खास है, और जो सामने वाली रिज है उस पर बैठे हुए 4-5 सांप हैं, क्या राइम बनाता हूँ यार, लाइक वाओ वाओ, कभी कभी लगता है पुलिस 2 KD का प्रो है। तो उसके बाद मैं ऐसे गाड़ी लेके जा रहा था और मेरे को इतना कन्फर्म था कि सामने वाली जो रिज है उस पर बंदे पक्का होंगे, लाइक पॉसिबिलिटी नहीं कि उधर बंदे ना हो, उधर होंगे ही होंगे। तो मैंने कार 98 निकाली अपनी और लाइक मेरा पूरा ध्यान ना उधर रिज पर ही था, देख रहे हो, और फिर मेरी जो प्रिडिक्शन थी एकदम सही थी, यही बैठा हुआ ओम का फिर बंदा, पता नहीं ओम लेके बैठा, तो मेरी थोड़ी फट गई थी देख के, तो मैंने बहुत ही ध्यान से देखा एंड फिर चाटा मार दिया उसके सर पे, मैंने बहुत ही प्यारा चाटा पड़ा इसके सर पे, इसका टक लेके फटके 4 हो गई। एंड उसके बाद ये बंदा पीछे भाग गया, तो मैंने कहा शारिक भाई तेरी गन लेके तो वो बंदा वहाँ घूम रहा है, उसको मारने चले। तो शारिक भैया ने बोला ठीक है चलते हैं, तो मैंने गाड़ी निकाली और फुल स्पीड, मेरा यहाँ पे मेन फोकस था कि मैं राइट से तेजी से फ्लैंग मारूं पूरा का पूरा राइट से, गाड़ी लेके भी हम फ्लैंग मार देते हैं, बंदों के मुंह पे फ्लैंग मार देते हैं हम, और मेरा यहाँ पे मेन गोल था कि मैं राइट से जाऊँ, मेरी पूरी की पूरी टीम लेफ्ट से जाए, तो अगर वो लेफ्ट से भाग के राइट आने की कोशिश करेंगे तो राइट से मैं उन्हें पकड़ के मतलब खा जाऊँगा, और क्या करूँ, लाइक फ्री की किल है ले लेंगे भाई, मना थोड़ी करेंगे। तो मैं यहाँ पे बैठ के आराम से बूस्टर मार रहा था, मेरे को ये सांप लेटा हुआ दिखा, पहले तो मेरे को इस पर तरस आया, फिर मैंने सोचा अगर मैं इसकी जगह होता तो मेरे को जरूर डसता, तो फिर मैंने भी इसको लाइक ऑग निकाल लिया और स्प्रे मारा और उसको डस लिया एंड फिर ख़त्म भी किया। भाई किल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे कैसे किल जाने थे, अब क्रू चैलेंज जैसे गेम में तो लाइक जरूरत होती है कि उसकी, पता ही नहीं तुम्हें, लाइक हैकर वैकर बोलने लग जाते, नहीं तो लोग वैसे देखा जाए
तो गॉड्स की टीम ने लाइक 400 किल मार दी भाई ऑलमोस्ट। क्या खा के मार रही है भाई, ऐसा कौन सा न्यू हैक निकाल देते हैं ये लोग, अजीब ही प्लेयर है, सोचना ही नहीं मेरे को इनके बारे में, मेरी फट जाती है भाई। मैं सोच रहा गलती से अगर इनका पुतला रैंगल के मैप पे लग गया तो स्कैम हो जाएगा भाई पबजी के साथ ही, पता नहीं। एनीवेज तो तुम्हारा भाई फिर अब राइट से फ्लैंक मार रहा है पूरा का पूरा, एंड राइट से फ्लैंक मारते मारते मैंने देखा कि बंदे वैसे ही, तो मेरे मैक्सटन भाई तेजी से भागे भागे, उन्होंने कहा मेरे को भी किल चाहिए, मैं भी किल का भूखा हूँ, मुझे भी कंटेंट बना के रोजी रोटी कमानी है। मैंने कहा नहीं, ये आखिरी किल मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा, बट मैक्सटन भाई वाज लाइक ना मैं उसको खत्म ही कर दिया शारिक भैया, तो भी लाइक मैंने जब बॉम्ब उठाई है तो पूरा खत्म करके रुकूंगा ना, तो मैंने नेट फेंक रहे थे, मैक्सटन ने बोला कि उसने गलत नेट आगे फेंक दिया, उम्मीद भी यही थी इससे, वैसे भी क्या बोले बस अब नया सीजन शुरू हो गया। फ्रेंड्स बाय द वे नीचे जाके जरूर बताना तुमने आरपी खरीदी कि नहीं अब तक, मतलब आरपी तो खरीद ली हो गया तुम लोगों ने, और नहीं खरीदी है तो पता नहीं। वैसे देखा जाए तो इस बार का आरपी से पिछली बार से मेरे को ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, बिकॉज इस बार जो इमोटी आए हैं बहुत प्यारे आए हैं, एंड उसके बाद मेरे को जो एक अच्छी लगी वो एकेएम की स्किन थोड़ी ढंग की लगी मुझे, और जो बैग आया वो तो एकदम लाइक खतरनाक कैड़ा बैग आया भाई, मज़ा आ गया उस बैग को देख के। तो मेरे को जरूर जाके बताना तुमने आरपी खरीदी है कि नहीं इस सीज़न की, एंड उसके बाद हम आगे आखिरी के तीन बंदों को ढूंढने। अब हमको लग ही रहा था कि ये लाइक ये 3v4 का बैटल है, और ये सब के सब सांप हिस करते हुए कहीं सांप बन के लेटे होंगे, बट मेरे को लग रहा था रूइंस में, बट इतना कुछ देखने के बाद भी रूइंस से निकली नहीं, तो मेरे को पता चल गया था ये आसपास ही कहीं सामने लेटे हुए हैं, तो मैं भागा भागा गया तेजी से फुल स्पीड, और मेरे को लगा एयर ड्रॉप के पास कहीं क्या पता कोई सांप सूप दिख जाए, बट मेरे को यहाँ पर भी कोई नहीं दिखा, एंड फिर मैं पूरा राइट राइट से भागता गया। फिर मेरे को यहाँ पर से सामने पत्थर पे शक तो हो रहा था कि तुम देखोगे ना यूजुअली सांप पत्थर के पास और पेड़ के पास ज़्यादा पाए जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे उन पर थोड़ा प्रोटेक्शन होता है, और हमारे मैक्सटन भाई तो अलग ही लेवल के स्वैगर हैं, उन्होंने सांप को देखा बट उन्हें लगा कि वो पत्थर है तो उन्होंने सांप को मारा ही नहीं, ऐसे ही भाग गया उसके मुँह पे से। फिर मैक्सटन को बोल रहा था कि भाई मेरे को लगा ये पत्थर है, बट हमारी किस्मत में तो किल रखा था तो हमको ही मिलेगा ना मैक्सटन भाई, आपकी किस्मत में नहीं था किल, था ही नहीं भाई, कोशिश भी मत करो आप। तो अब उसके बाद आखिरी के जो तीन बंदे थे, सॉरी दो बंदे थे, सॉरी तीन बंदे थे, हाँ तीन बंदे थे, वो सामने सांप बने हुए थे, और नहीं सॉरी दो बंदे थे, क्या दिमाग घुमा रहा हूँ मैं। और ये हो गया बहुत ही प्यारा विनर विनर चिकन डिनर किंग एंड भाई साहब का और हम सबका बहुत ही अच्छा हाई किल गेम प्ले, 41 किल्स हमने मारे दो कीड़ी वालों ने। ऑफकोर्स वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करो अपने चैनल पर नए, और हमारे मैक्सटन भाई आज तो हमको आपके हाथ से कोल्ड कॉफ़ी चाहिए बस, बिकॉज हम फोड़ता है क्रू चैनल में, तो आज हमको लाइक सीरियसली कुछ टेस्टी चाहिए, लाइक जल्दी लाइए, जल्दी ले आइए, जल्दी दो केड़ी का मिक्सर आ जल्दी जल्दी यार, एंजॉय पीस आउट।